Hello everyone, a very very good afternoon to all of you guys. Welcome to our 24/7 regulatory body NSA channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. इस session में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. अच्छा, ये session जो है ये आप लोगों के लिए मैंने इसलिए plan किया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीजनिंग क्वांट और आपका इंग्लिश है, ये सेशन पहली बात तो किन हमारे एस्पिरेंट्स के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा, जो भी स्टूडेंट पीएनबीएसओ. आपको पता है कि लेटेस्ट वैकेंसी आई है आपकी पीएनबीएसओ के अंदर, और इस पीएनबीएसओ की वैकेंसी के अंदर आपका जो रीजनिंग सेक्शन, क्वांट सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन, ये क्या है, क्वालिफाइंग है. मतलब इनको क्वालिफाई तो करना है लेकिन इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे. तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के सामने एक, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का भी एक सेशन किया है, आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा उसको भी. तो इस तरीके से करके मैं कुछ सेशंस आप लोगों के लिए के सामने लेकर आने वाली हूँ, प्लान करने वाली, जहाँ पे हम अपने आप को इस काबिल बना लें और कॉन्फिडेंस के साथ बना लें कि हमारा रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा. तो आज हम एक पजल करने वाले हैं और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ईजी है समझने के लिए और आप लोगों को बहुत हेल्प होगी. तो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और आगे बढ़ूंगी मैं बिना समय गवाए, मैं आगे बढ़ूंगी. अच्छा, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. अगर आप में से कोई भी हमारा ऐसा एस्पिरेंट जो ये चाहता है कि हम बैंक एग्जाम, अगर किसी भी बैंक एग्जाम की आपकी तैयारी चल रही है और आप रीजनिंग में हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि कहां से हम पढ़े जहां पर रिलेवेंट डेटा भी मिले और बिल्कुल सही क्रिस्प कॉन्सेप्ट भी मिले, तो आप मेरा 2 बजे का सेशन डेली ज्वाइन कर सकते हैं. मंडे टू सैटरडे आपका 2 बजे का सेशन मैं डेली लाइव करती हूं और यह अपने इसी चैनल पर होता है, यह बिल्कुल फ्री सेशन है, तो आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं. आगे मैं बढ़ूंगी. मैंने ये हमारा सिलेबस है, इस पर मैंने एक सेशन आप लोगों का पहले लिया कर चुकी हूं मैं कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं, कैसे इनको कैटर करना है, कैसे को समझना है, जिसमें आज मैंने जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं वो लिया है मैंने बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन. मैंने कुछ कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को उठाया है और मैंने कुछ आपके पजल के कॉन्सेप्ट को उठाया है. तो इस तरीके से मैं ट्राई करूंगी कि हर एक टॉपिक के मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज आपके सामने लेकर आती रहूँ और आपकी बहुत इस छोटे छोटे वीडियो से काफी हेल्प आपकी हो जाएगी. तो सीधे मैं बिना टाइम को इन्वेस्ट करे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, और इस क्वेश्चन के लिए केवल मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी और इस 1 मिनट के समय में आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाना है, रीड भी करना है, समझना भी और आंसर भी करना है. मैं तब तक के लिए अपने आपको हाइड कर दूंगी और जल्दी से इसका आंसर बताइए. Last 20 seconds, then we discuss. ऑल राइट, मोर देन अ मिनट हमें टाइम मिल चुका है. आई थिंक आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन रीड किया और बनाने की भी पूरी कोशिश की होगी और कुछ का आंसर बिल्कुल करेक्ट भी आ रहा है. क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं. इवन द गिवन वर्ड मोटिवेशन, इफ द वॉवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर एंड द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, तो आपको क्या करना है, इस मोटिवेशन शब्द में जितने भी आपके वॉवल्स हैं इनको आपको क्या करना है, वॉवल कौन कौन से, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये वॉवल है और आपका ये वॉवल है और ये भी वॉवल है, इनको क्या करना है, इफ द वॉवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, यानी कि इन सब में क्या करना है, प्लस वन करना है, ठीक है. एंड द कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स की अगर बात की जाए तो क्या क्या कॉन्सोनेंट बाकी बचे हुए आपके कॉन्सोनेंट्स, एम एक कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है, वी एक कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है, देन आपका एन एक कॉन्सोनेंट है, इनमें क्या करना है, आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर एज इन एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच लेटर और लेटर्स आर रिपीटेड मोर देन वन, तो इनमें से कौन सा लेटर जो है मोर देन वंस रिपीट हो जाएगा या होगा. तो ऐसे में अगर ठीक से देखा जाए तो आपको ये बताना कि कौन सा लेटर है जो मोर देन वंस आपका क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है. आपका ये सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है. एम में क्या करना है, माइनस वन करना है, एम में माइनस वन करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, एल निकल कर आएगा. ओ में प्लस वन करना है, वॉवल है तो क्या आ जाएगा, एम एन ओ पी आ जाएगा. टी में क्या करना है, टी में माइनस वन करना है तो टी में माइनस वन करेंगे आपके पास एस आएगा. आई में प्लस वन करना है, जे आएगा. वी में हमें माइनस वन करना है, वी से पहले आता है आपका डब्ल्यू,
नो वी है 22nd लेटर और 21st लेटर, यानी कि यू पहले आएगा. ए में क्योंकि वॉवल है तो प्लस वन करेंगे, बी आ जाएगा, और टी में हम माइनस वन करेंगे, एस आ जाएगा. आई में मुझे हाइड होना पड़ेगा, एक सेकेंड दीजिएगा. हाँ, और आई में हम क्या करेंगे, आई में हम करेंगे प्लस वन तो जे आ जाएगा, और ओ में भी आप प्लस वन करेंगे एम एन ओ पी आ जाएगा. एन में आप माइनस वन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा एम. कौन सा लेटर है जो रिपीट हुआ, यानी कि कितने लेटर्स हैं जो मोर देन वंस आपको दिखाई दे रहे हैं. अगर मोर देन वंस की बात की जाए तो एक तो पी है जो हमें मोर देन वंस दिखाई दे रहा है. इसके अलावा अगर बात करें तो एस है जो हमें मोर देन वंस दिखाई दे रहा है. ठीक है, क्या इसके अलावा भी कोई है जो हमें मोर देन वंस दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से तो और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है. क्या आप लोगों को कोई और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? मेरे हिसाब से केवल दो ही ऐसे लेटर्स हैं जो आपको मोर देन वंस रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा मैं किसी और को नहीं बोलना चाहूंगी. एल हो गया, सॉरी एल नहीं है, पी है जो रिपीट हो रहा है, एस है जो रिपीट हो रहा है. यस आई थिंक दीज आर द टू लेटर्स विच आर गेटिंग रिपीटेड. क्या आप, अच्छा आप में से काफी कह रहे हैं कि मैम थ्री है, तो तीसरा कौन सा है? ओके ओके ओके, हम बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. हमने एक का मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाया नहीं है. किसकी कंडीशन नहीं बनाई है? आई का. आई का मैंने प्लस वन करके लिखा ही नहीं है, क्योंकि आई में प्लस वन करेंगे तो जे ही तो आएगा. यहाँ पे जे मिस आउट हो गया, बिल्कुल करेक्ट आप कह रहे हैं. हाँ, तो जे भी जो है वो रिपीट होगा, तो तीन लेटर्स है जो रिपीट होंगे, यानी कि आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है. यहाँ पे दिया गया आपको, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड विदाउट रिपीटिशन. अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर अगर केवल एक चार लेटर का मीनिंगफुल वर्ड बना सके आप बिना किसी रिपीटेशन के, यूजिंग द सेकेंड द फोर्थ द सिक्स एंड द एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड डायलॉग. तो इन शब्दों का, इन लेटर्स का इस्तेमाल करके. अब डायलॉग में कितने लेटर्स हैं आपके? डी आई ए एल, एल के बाद ओ जी यू ई. ठीक है, कौन कौन से लेटर्स का इस्तेमाल करना है पहले तो वो लेटर्स देखिए. आपसे बात की गई इसमें सेकेंड फोर्थ टू फोर सिक्स एंड एट, टू फोर सिक्स एंड एट, यानी कि आई आ जाएगा, एल आ जाएगा, जी आ जाएगा और ई आ जाएगा. अब आई एल जी ई को यूज करके आप कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, ये आपको आंसर बताना है. अगर आप एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं तो फिर आपको बताना है कि विच विल बी द सेकेंड लेटर ऑफ दैट मीनिंगफुल वर्ड. अगर केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो उसका सेकेंड लेटर आपको बताना है. अगर मोर देन वन बन सकता है तो फिर आपको एक्स आंसर करना है, और अगर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बन पाएगा तो आपको के अपना आंसर करना है. तो आई एल जी ई पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या आई एल जी ई को इस्तेमाल करके हमारे कितने जो हैं वो शब्द बनाए जा सकते हैं या कोई भी नहीं बनेगा. तो क्या आंसर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा के. क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से पीएनसी लगा लीजिए इसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए, कहीं किसी भी तरीके से हम इसको नहीं बना सकेंगे. तो अगला सवाल, तो ये बहुत दो ईजी, ये मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखे अल्फाबेट टेस्ट के हैं, और अल्फाबेट टेस्ट के इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं. और अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है पजल्स का, और ये पजल आप लोगों के सामने ट्राई कीजिए इसको. और ये है आपकी फ्लोर वाली पजल, ठीक है, फ्लोर और फ्लैट वाली पजल, जहां पे दिया गया कि 10 लोग हैं और ये 10 लोग जो है एक 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं. ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 पे है और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है सबसे टॉप मोस्ट वो 5 पे है. ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट, हर फ्लोर पे आपके दो फ्लैट्स हैं, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू. फ्लैट पी जो है वो वेस्ट में है, किसके? फ्लैट क्यू के. और बाकी सारी जानकारी बेसिकली आपकी, ये एग्जांपल दिया इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन जानकारी आपकी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होती. मैं एग्जैक्टली आपको दूंगी 2 मिनट का टाइम और उसके बाद मैं डिस्कशन पे आऊंगी. स्टार्ट कीजिए.
यस आई थिंक ये इनफ टाइम मिला है हमें, चलिए जल्दी से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है. बेसिक डेटा आपने पढ़ लिया है, मैंने यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन को लिखा है ताकि सबको क्लैरिटी मिले. सबसे पहला तो बेसिक डेटा हमारा ये कहता था कि आपके पास 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 5 ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1. ठीक है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है. जब भी हम पजल्स की बात करते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, और आपसे कहा गया था कि फ्लोर पी जो है, फ्लैट पी जो है वो वेस्ट में है क्योंकि, तो यहाँ पे फ्लैट पी होगा जो कि वेस्ट में है क्योंकि एक हमने अरेंजमेंट बनाया ये. और जब भी आप फ्लोर या पजल्स की बात करते हैं, किसी भी तरह की पजल की बात करते हैं, हमेशा आपका टारगेट रहता है कि आप 2 पॉसिबिलिटीज में अगर जरूरत पड़ी तो आप हमेशा अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बना के चलेंगे. तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी ये वाली, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पी फ्लैट जो है वो क्यू के वेस्ट में था. ये सारी जानकारी हमारे सामने थी. अब शुरुआत की जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट आपके सामने है वो ये कि जे लिव्स इन द साउथ ईस्ट. अब मैं आपको ना क्रिस्प तरीके से बताऊंगी कहाँ से शुरू किया जा सकता है. इसमें एक लाइन है जो बहुत क्लियर कट आपको दी हुई है, सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर इन फ्लैट पी. तो सी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और फ्लैट पी में रहता है. इवन नंबर कितने, एक ये है इवन नंबर, एक ये है आपका इवन नंबर, दो ही नंबर ऐसे हैं जो इवन है. तो सी लिव्स इन 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 ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इन फ्लैट पी. तो सी यहाँ रह सकता है, सी यहाँ रह सकता है. सी से रिलेटेड डायरेक्ट डेटा कौन सा है, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन सी एच एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट. 2 फ्लोर का गैप सी और एच के बीच में और दोनों का फ्लैट अलग है. तो ये सी 1 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पे एच आएगा, दोनों का फ्लैट अलग है. ये सी 1, 2 का गैप और दोनों का फ्लैट अलग है. तो यहाँ पे मैं अपने आपको हाइड भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखता रहे कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, सी यहाँ पे तो एच यहाँ पे बनेगा. उसके बाद आपके पास जो डायरेक्ट जानकारी है वो कौन सी, वो ये है. यहाँ पे आपको दिया गया है कि वन फ्लोर बिटवीन एच ई हु लिव्स इन फ्लैट क्यू. 1 फ्लोर का गैप एच और ई के बीच में और ई रहता है फ्लैट क्यू में, तो ई यहाँ पे आएगा. 1 फ्लोर का गैप बिटवीन एच एंड ई और ई आएगा आपके फ्लैट क्यू में, ये बनेगा. उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि डी लिव्स, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आपको दिख रही है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, डी लिव्स इन द साउथ ऑफ ई. ई के साउथ में डी यहाँ पे आ जाएगा और ई के साउथ में डी यहाँ भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है. 2 पॉसिबिलिटी हमारे इस वाले केस में. देन आपसे कहा जा रहा है कि 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एन एफ, एफ एंड एच लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर. 2 फ्लोर है डी और एफ के बीच में. अगर मैंने डी को यहाँ रखा तो डी और एफ के बीच में 2 फ्लोर, 1 का गैप 2 का गैप में यहाँ पे एफ को नहीं रख सकती. क्यों? क्योंकि एफ एंड एच दे लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर. एफ और एच अलग अलग फ्लोर पे हैं. इससे ये पता चलता है कि जो हमारा पहला वाला अरेंजमेंट है, इस पहले वाले अरेंजमेंट में आप डी को यहाँ नहीं रख सकते. और अगर डी को यहाँ नहीं रख सकते तो इससे ये क्लैरिटी भी मिल जाती है कि डी आपका कहाँ आएगा. डी आपका 100% यहाँ पे आएगा. ये डी हो गया, ये डी हो गया. ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, ये डी हो गया और इस डी के साथ साथ, जस्ट 1 सेकेंड गाइस. हाँ, ये डी हो गया. और क्या बोला गया था आपसे, आपसे बोला गया था कि 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड एफ. तो ये डी है, 1 का गैप 2 का गैप. मैं एफ को यहाँ रख सकती हूँ, मैं एफ को यहाँ भी रख सकती हूँ. यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूरी पूरी. लेकिन इस चीज को भी आप तुरंत क्लियर कर लेते हैं. आपके पास एक स्टेटमेंट थी जे लिव्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ एफ. F के साउथ ईस्ट के बीच में J आएगा, तो F को बिल्कुल किनारे पे रख ही नहीं सकते आप. क्यों? क्योंकि F के साउथ ईस्ट में अगर J आएगा तो फिर ये केस आपका किसी और तरीके से क्लियर नहीं हो सकता. ये केस एक ही तरीके से क्लियर होगा कि आप F को कहाँ रखें, आप F को कहाँ रखें, यहाँ आप F को रखें. यहाँ पे F आएगा तो F के साउथ ईस्ट में J यहाँ पे आएगा. ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है. उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 1 फ्लोर बिटवीन J एंड B, B एंड D लिव इन डिफरेंट फ्लोर. तो 1 फ्लोर का गैप जे और बी के बीच में, ये जे है और यहाँ पे बी आ जाएगा और बी और डी अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं. तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है. ठीक है. नाउ मिनिमम आगे आपको दिया गया क्या, आगे आपको दिया गया है जो अगली कंडीशन है वो ये कि मिनिमम 2 फ्लोर्स बिटवीन के एंड जी. के और जी के बीच में कम से कम मिनिमम 2 फ्लोर के और जी के बीच में. जी हु लिव्स अबव के, जी जो कि के से ऊपर रहता है. जी जो कि कहाँ रहता है, के से ऊपर रहता है. तो एक बात बताइए, अगर मैंने जी को यहाँ रखा तो मैं के को यहाँ नहीं रखूंगी क्योंकि कम से कम 2 फ्लोर का गैप है. ठीक है, अगर मैंने के को यहाँ रखा तो मैं जी को यहाँ नहीं रखूंगी, कम से कम 2 फ्लोर का गैप है. क्या करोगे आप, के को यहाँ रखोगे, 1 का गैप 2 का गैप, कम से कम 2 का गैप तो देना था, और फिर जी को यहाँ रख दोगे ताकि के और जी के बीच में मिनिमम गैप आ सके. अब आपके पास एक लास्ट कंडीशन बची किसकी, आई की. आई को आप यहाँ लिख दीजिए, ये हमारा कंप्लीट. आई एंड ई डू नॉट लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट. आई का फ्लैट पी है और ई का फ्लैट क्यू है, विच इज अगेन कन्फर्म. ये आपका पार्ट ऑफ होमवर्क है टू अंडरस्टैंड एंड टू रियलाइज कि ये हमारा गलत क्यों होगा, किस तरीके से गलत होगा, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो भी आप बना लोगे. अब देखो, अगर पजल आएगी ना तो पजल पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. 4-5 क्वेश्चंस आपके पजल से आ जाते हैं. जैसे अलग क्वेश्चन आ गया कि फ्लैट पी में कौन रहता है, थर्ड फ्लोर पे फ्लैट पी में कौन रह रहा है, आई रह रहा है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4. इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे अगर आप पूरी पजल सॉल्व कर लोगे तो. अच्छा, तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी रैपअप करूंगी. एक चीज मुझे आप लोगों से जाननी है
कि क्या आप चाहते मैं ऐसे और वीडियोस आपके साथ सामने लेकर आऊं और किस किस टॉपिक पे लेकर आऊं। तो अब ये सेशन एंड होने के बाद, अभी नहीं, अभी कमेंट में मत बताइएगा, सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे जरूर बताइएगा कि मैम ये सेशंस आप और लेकर आइए और मैं उन सेशंस को आपके सामने लेकर आऊँगी। उसके अलावा मेरा दोपहर 2 बजे का सेशन आप फॉलो कर सकते हो रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहाँ की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ये हमने PNB का क्रेडिट ऑफिसर का बैच निकाला है स्पेशली प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, और प्रोफेशनल नॉलेज आपकी बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करा रहे हैं इसमें। 23 फरवरी से ये बैच आपका शुरू हो रहा है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम अपने आप से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल समय जाया मत कीजिए और अपने इस बैच में जुड़ जाइए। और बैच से जुड़ने और साथ ही साथ गाइज ये मॉक, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, हमें बस मॉक लगाना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 2 घंटे में आपको 200 कितने क्वेश्चन, 25 25 50 और 50, हाँ 200 क्वेश्चन आपको बनाने, तो उतना करने के लिए आपको डेफिनेटली आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में जाना चाहते हो ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना, आपको ऑफ मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप बैच में जाना चाहते हो तो Y651 का डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिएगा। दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज, बट मैं कॉमेंट सेक्शन में जरूरी ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, और अगर समझ में आए तो इस तरह के और सेशन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लोगों के लिए लेकर आऊँ तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। आई विल ब्रिंगिंग सेशन फॉर PNBSO एग्जामिनेशन रीजनिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।